हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपको आज बेसिकली डिप्लोमा के बच्चों को, मैं बीटेक करने के लिए जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया में, मैं उनके बारे में बताता रहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारे दिल्ली में जितने भी पॉलिटेक्निक थे वो अब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। यूनिवर्सिटी का नाम था हमारा डीसू, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। ठीक है, डीसू ने डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज के जो एडमिशन के लिए इंटरेस्ट एक्सप्रेस इंटरेस्ट आप मतलब शो कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर दो। जैसे मेरे इसमें तो इंटरेस्टेड आ रहा है क्योंकि मैंने डिप्लोमा के, तो मैं आपको बेसिकली डिग्री के लिए आज जो जीबी पंत कॉलेज था और जो टूल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज था वजीरपुर में और जो जीबी पंत था ओखला में, वो डीसू के अंदर आ गए हैं। तो इस बार डीसू बीटेक के लिए एडमिशन ले रहा है। डिप्लोमा वाले बच्चे भी तैयार हो जाओ आप लोग। जो डिप्लोमा है वो डीसू, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में वैसे हर एक को पता होना चाहिए जो डिप्लोमा की इक्विलेंस है वो प्लस टू के इक्विलेंट होता है। तो ये आपको फर्स्ट ईयर में, मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में, मेरे को नहीं लगता कि ये इसमें लेटरल एंट्री होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे नवीन कुमार मुंजाल से, मैं यहाँ पे नवीन कुमार ही कर देता हूँ क्योंकि मुंजाल से दिक्कत हो जाएगी भाई दिक्कत आप लोग समझ रहे हैं। मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया अपना, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं, leadcoaching.com, leadcoaching.com@gmail.com, हाँ ईमेल आईडी डाल दिया। ठीक है, मैंने नवीन कुमार डाल दिया। करंट क्वालिफिकेशन मेरी है डिप्लोमा। मैंने डिप्लोमा जो फाइनल ईयर में है वो भी इसको फिल कर सकते हैं, अपीयरिंग है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डाल दिया डिप्लोमा। तो अब डिप्लोमा के बाद यहाँ पे कोर्सेज में जाता हूँ, तो कोर्सेज में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये रहा बैचलर इन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, बैचलर इन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इन सब में 60-60 सीटें हैं भाई दोस्तों। देखो अब बात आएगी सर प्लेसमेंट कैसी है। देखो यार ये खुल रही है और इसका वाइस चांसलर आई एम अहमदाबाद से रखा गया है। ऑब्वियसली इसका प्लान जो है बच्चों को स्किल स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन देना है। आपको अगर स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, ये मेरे को लग रहा है पूरे इंडिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो टेक्निकली टेक्निकली डिग्री को स्किल के अंदर कन्वर्ट करके आप लोगों को देने वाली है। इसका वैसे सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आईपी यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल वर्क नो डाउट बहुत ज्यादा होगा। अभी प्लेसमेंट का मेरे को लगता है कि अगर आप दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज चाह रहे हो तो भाई डिप्लोमा वालों के लिए भी रास्ते खुले हैं। ये 5 ब्रांच में, नहीं सॉरी यार 6 ब्रांच हैं। ये डिप्लोमा के बच्चों को बीटेक करने के लिए, अब बच्चों का ये मानना होगा कि बट सर यहाँ पे हमें सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा फर्स्ट ईयर में। बेटे इन्होंने अभी तक अपना कोई ब्रोशर नहीं निकाला है, इनके ब्रोशर का मैं भी वेट कर रहा हूँ। डिप्लोमा के बच्चों को भी मैंने बताया था कि मैं आके उनको बताऊंगा। डिप्लोमा वाले बच्चों को भी यहाँ पे उनको 10th लिखना है और अपने डिप्लोमा का इंटरेस्ट शो कर देना। अभी मैं वैसे अभी डिप्लोमा वालों को बता रहा हूँ, डिप्लोमा के बाद बीटेक के लिए बता रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे मैंने डिप्लोमा लिखा, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो कि मेरी ब्रांच थी। उसके बाद मैं अपना दिल आदर्श नगर का रहने वाला हूँ, तो आदर्श नगर का डाल दिए कैप्चा। आदर्श नगर में 73 है पिन कोड, 7RBF V2, और इसको कर दिया सबमिट। ठीक है, इसको क्या कर दिया सबमिट। बस आपको इंटरेस्ट सबमिट कर देना, अपना एक्सप्रेस इंटरेस्ट में आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करंट क्वालिफिकेशन, ये अगर मैं डिप्लोमा वालों के लिए बताता या आईटीआई वालों के लिए बताता तो उनको 10th+ ITI सर्टिफिकेशन लिखना है, या 10th लिखना है, या 10th अपीयरिंग लिखना है अगर उनका रिजल्ट नहीं आया तो। इस तरीके से डिप्लोमा वाले बच्चे जिनको डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, डिप्लोमा के सरकारी कॉलेजेस में 10-11 जितने भी कॉलेजेस हैं उनको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे किस चीज़ में वो डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो टोटल कितनी ब्रांच आपको दिख रही होंगी। ठीक है, इसके अंदर अभी आपको ये एक विशेष जो दिख रहा होगा, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिख रही, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिख रही, उनको मिला के एक ही ब्रांच बना दी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। जैसे कस्तूरबा में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी तो लड़कियों को लग रहा होगा अरे मेडिकल तो है ही नहीं, अरे बेटे कस्तूरबा में भी अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच चलेगी। तो डीसू वो पीतमपुरा कैंपस कहलाएगा, कस्तूरबा नहीं रहा वो, अब वो हो गया डीसू पीतमपुरा कैंपस। ऐसे ही जो जेएनडी था वो हो गया डीसू रोहिणी कैंपस, ऐसे ही डीसू पूसा कैंपस, इस तरीके से अलग अलग कैंपस बन गए डीसू के। तो
अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, मैं ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी है और 10th के बच्चों के लिए भी है ये वीडियो। आप अपना एक्सप्रेस इंटरेस्ट करो यहाँ पे और वहां पे आके आप सबमिट कर दो दोस्तों, ठीक है। अगर हम इसके होम पेज पे जाते हैं, अगर मैं इसके होम पेज पे जाता हूँ तो भी आपको, अगर आप इसके एडमिशन के टैब में जाएंगे तो भी आपको यही दिखने वाला है। मैं यहाँ पे दोबारा से डीसू की साइट खोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं डीसू की साइट दोबारा खोल दी भाई। इसका देखो मतलब लोगों के ऊपर ही लिख रखा है, यहाँ पे आप जाके पॉपअप ही आ जाएगा। आप अपना इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड लिख रखा है क्योंकि मैं कर चुका हूँ। आप डिग्री और डिप्लोमा कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट उसी हिसाब से मेंशन कर दें। अगर नंबर ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली ये एंट्रेंस एग्जाम रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको 6 ब्रांच हैं बीटेक करने के लिए, हर ब्रांच में 60-60 सीटें हैं। तो +2 वाले बच्चे शायद अभी कम फेथ करेंगे, तो डिप्लोमा वालों के पास मौका है, अगर वो जाना चाहें तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इस बार तो मुझे नहीं लगता कि रिटर्न एग्जाम होगा, इस बार तो ये परसेंटेज के आधार पे मेरिट लिस्ट बना लेंगे और दे देंगे। बाकी अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हुए तो एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोई इनकी तरफ से कोई ब्राउजर कोई इंटीमेशन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे तो फैकल्टी डल की गई है, फुल टाइम फैकल्टी, मास्टर एडजेंस फैकल्टी डिटेल डल की होगी यार। यहाँ पे फुल टाइम फैकल्टी पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये फुल टाइम फैकल्टी की देखो A to Z जित बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नाम है और डल चुका है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। ये ए से है, बी से, ऐसे पूरा मतलब दबा के है फैकल्टी, जितने भी डिप्लोमा वाले फैकल्टी थे, या जेबी पंत ओखला की फैकल्टी थी, या जितनी डी क्रस्ट, वो कह रहा हूँ सॉरी, टूल एंड डाई की जो वजीरपुर में डिग्री कॉलेज है उसकी फैकल्टी थी, सब आ गए एडमिशन में। जाएंगे अप्लाई नाउ पे जाएंगे तब भी आपका यही फॉर्म खुलने वाला है जो मैं आपको दिखा रहा था। अप्लाई नाउ में जो भी डिग्री और एक्सप्रेस इंटरेस्ट में ही वाला फॉर्म खुलता है, और सेम आपको उसी तरीके से जो मैं बता रहा था, मान लो मैं लिख देता हूँ अशोक, ठीक है, और फोन नंबर लिख दिया। अभी ये मैं दोबारा करके भी एक बार बता रहा हूँ, दोबारा करके भी एक बार बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा के बेस पे डिग्री में एडमिशन भी मिल रहा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, मेरी सुबह सुबह की मेहनत खराब नहीं करनी है दोस्तों, प्लीज यार, ठीक है। और ये आप ली वापस से मैं डाल देता हूँ अपनी ईमेल आईडी। तो दिल्ली के जो बच्चे सरकारी कॉलेज में इन ब्रांचेस के अंदर, अब बच्चों को ये जरूर होगा सर सिविल में भी लिख देते हैं, सिविल का तो बेटे जब शुरू हो गया है तो ये सिविल भी शुरू होगा। ये देखो डिप्लोमा 12th इक्विवेलेंट है ना, लेकिन अगर आपको डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो 10th प्लस ITI इक्विवेलेंट, या 10th क्लास, या 10th अपीयरिंग। अगर आपको डिग्री में एडमिशन लेना है तो डिप्लोमा 12th इक्विवेलेंट करेंगे, और यहाँ पे आपके डिप्लोमा के बाद के आप कौन कौन से कौन कौन सी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो, तो इसमें बीटेक की 6 ब्रांचेस भी हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। मान लो मेरे को बीटेक कंप्यूटर साइंस, डीसू से बीटेक कंप्यूटर साइंस से करनी थी, और मैं यहाँ पे देखो भाई मेरे को इसके बारे में कोई प्लेसमेंट का आइडिया नहीं है, मेरे को इसके बारे में कोई क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक बैकएंड बना के रखना चाहते हैं तो अपना एक्सप्रेस इंटरेस्ट कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली से ही चाहते हैं तो। इसका एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो मैंने बताया कि नंबर ऑफ एक्सप्रेस इंटरेस्ट जो आएंगे उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए और हो गया जी, ठीक है। अशोक में ये कह रहा कि नाम में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो डन है। कोई कोई दिक्कत हो तो बताना भाई मेरे को, ठीक है। और अगर कोई मतलब आपको कोई एडवाइस चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। माता पिता का ध्यान रखना, माता पिता को चरण स्पर्श जरूर किया करो, दोनों हाथ जोड़ के, दिल्ली वालों को मैं कहूंगा दोनों हाथ जोड़ के, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल।